अरे आप इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला और मैंने फेक पेपर्स दिए, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं हूँ क्योंकि मेरा यकीन कीजिए असली पेपर्स भी हैं। अगर असली हैं तो नकली कागजात क्यों दिए? अरे असली देती ना। चलो इन्हें। आपका गलत फहमी हुई है, जोया ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो तो गनीमत है कि अभी सिर्फ हथकड़ी लग रही है, कायदे से तो इस लड़की को फांसी लगनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरी मासूम सी फूल जैसी बच्ची को जहर तक दिया है। जोया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वाह 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 वाह, इसके हक में तुम नहीं बोलोगी तो फिर और कौन बोलेगा? चोर का गवाह पॉकेट मार। मम्मी से बात करो रजिया। बड़ी बी, आपका दिल बड़ा जल रहा है अपनी पुरानी बहू के लिए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हम वो पेपर्स आपको दिखा देंगे। क्या हमें थोड़े और वक्त की मोहलत नहीं मिल सकती? जी, मक्कारों को सजा दी जाती है, मोहलत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए, आप इसे इसी वक्त लेके जाइए। ले जाइए इस लड़की को। ले चलो इन्हें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। अब मैं क्या करूं? मुझे असद को फोन करना होगा, अब वही कुछ कर सकता है। हाँ। एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। ये क्या बकवास है? अब जेल जाने की नौबत आई तो यकायक असली कागजात कहाँ से आ गए? जहाँ से मर्जी आए हो सिद्दीकी साहब। पॉइंट ये है कि आ गए और वो पेपर्स इस वक्त इंस्पेक्टर साहब के हाथ में। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद पेपर्स चेक कर लीजिए। ये ओरिजिनल पेपर्स हैं और इनपे मिस्टर राशिद अहमद खान के सिग्नेचर्स भी हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इनकी चाल है, सब इनकी चाल है। इस तरह से असली कागजात हवा से कैसे पैदा हो सकते हैं? आप इसे छोड़िए मत, इसे इसी वक्त लेकर जाइए। देखिए, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, मुझे पेपर्स चेक करना पड़ेगा। ये कागजात असली हैं। इस बार की अब ये प्रूफ हो गया है कि आधा घर और आधा बिजनेस असद अहमद खान का है, फिर आपको अरेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी हथकड़ी खोल दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके, चलिए। चाय से शुरू हुआ था, चाय पे ही खत्म होना चाहिए, नहीं? आपसे बात कर रही हूं मैं। क्या हुआ? सुनने, देखने और समझने की कुव्वत खत्म हो गई क्या? पांच मिनट के अंदर अंदर चाय बनाकर दादी को दीजिए। चाहिए, टाइम शुरू हो गया आपका। आई टेल यू मुमानी, मैं सच में बात करने का सलीका सीख जाती, प्रॉमिस। पर क्या करूं, आपकी संगत में रहती हूं, बुरी आते ही तो सीखूंगी। संभाल कर रहे, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। मुमानी, फिलहाल जरा आप संभल कर चलिएगा, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रही हैं ना, किसी भी वक्त फिसल सकती। मुझे धमकी दे रही है? हाँ, तू मुझे गिराएगी? गिरा कर दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं कैसे तू मुझे। मेरा वो मतलब नहीं है मुमानी, मैं। ओहो अल्लाह, कहा था ना देख कर चलिएगा। वैसे ओवर स्मार्ट लोगों के साथ ना यही होता है, दूसरों के लिए चाल बुनते बुनते वो ये बात भूल ही जाते हैं कि खुद के साथ भी ऐसा हो सकता है। हट। आप देखिए ना, आपके साथ भी यही हो रहा है। दूसरों के लिए जाल बुनते बुनते आप ये बात तो भूल ही गई कि उसका एक झटका लगेगा और आपका सारा खेल खत्म। और ये कहीं भी, कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। वैसे आपको एक बात बताऊं मुमानी, मैं जानती हूं आपको हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए, इस बार आपका मुकाबला जोया फारूकी के साथ है और हारना तो मैंने भी नहीं सीखा। अब जरा देख के चलिएगा। क्या है ना, इस उम्र में अगर चोट लग जाती है ना तो जल्दी ठीक नहीं होती। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन लोगों को असली कागजात आखिरी वक्त पर कैसे मिल गए। पर मिल गए तो क्या हुआ, हम हार थोड़े ही मान लेंगे। जी मैं इतनी आसानी से, ये कब तक चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा? झूठ और धोखे की नींव पर पक्के मकान नहीं बना करते रज़िया। ये इमारत एक न एक दिन ढह जाती है। हमने सालों लगा दिए उन लोगों को अपने घर और राशिद से दूर रखने के लिए, लेकिन हमेशा हमें मुंह की खानी पड़ी है। और अब तो वो लोग यहाँ पहुंच गए हैं। जी लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। तुम हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रज़िया? उसे हमें करना ही होगा। क्या हुआ वाजिद? जी वो फ्रेम बनाया है। ठीक है, उसे कहो कि हम आते हैं। जी आपने अभी उस फ्रेम वाले को बुलवाया? हम उससे बात करके आते हैं रज़िया। एक मिनट रुकिए, ये कहीं उसी दिन की वजह से तो नहीं? मैंने सुना था कि वो फ्रेम वाला आपसे कह रहा है कि कोई लड़की है जो आपको ढूंढ रही है। हाँ, हमें एक मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। शायद वो लड़की हमारी वही औलाद जिसे बरसों पहले हमने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। अब हम उसे वापस लेकर आएंगे, वापस लाएंगे उसे। ये क्या हो रहा है रज़िया? क्या हो रहा है रज़िया? क्या वाकई उम्र हो गई है हमारी? नहीं, सिद्दीकी साहब की उम्र हो गई। मुझे तो लगता है सठिया गए हैं। वो अपनी गलतियां सुधारने की बात कर रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपनी गलतियां सुधारने का मतलब है कि हमारे सारे राज खुल जाएंगे। साहब को उनकी बेटी मिल जाएगी और असद को उसका बाप, और मैं मेरा क्या होगा? फांसी का फंदा तो मेरे ही गले पर पड़ेगा ना। आखिर जोया की अम्मी का कत्ल तो मैंने ही किया। मैं किसी भी हाल में इस राज को खुलने नहीं दे सकती। किसी भी हाल में इस राज को खुलने नहीं दे सकती। आपको पता है मिस्टर खान, अब कोई भी राज नहीं रहेगा। तुम्हें पता है सर, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। पता है ये कोई आम बात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कुछ जादू सा हो गया है। आपको मैं बताती हूँ मिस्टर खान, देखिए सबसे नहीं मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं बताती हूँ कि तुम्हारे अब्बू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अपने मुझसे सब कुछ बता देंगे। पेपर्स के बारे में पेपर्स? हाँ अच्छा पता है। स्पीकर फोन क्यों बंद कर दिया? पूछने दीजिए ना पेपर्स के बारे में। हाँ तो असद से बात करने के लिए हम लोग कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, है ना? ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मुझे बात करनी थी जोया, अब बस वो आ ही रहे हैं तो आप बात कर लीजिएगा। आपको पता है मिस्टर खान ने वो सारे पेपर्स अपने लॉयर को दिखाए और लॉयर ने कहा है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है। अब हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कब आ रहा है असद? 1-2 दिन में आ जाएंगे। अरे ये आवाज तो राशिद के कमरे से आई है। हाँ चल चल। ट्रे यहाँ? ये ट्रे कैसे गिर गई? ये ट्रे तो मैंने राशिद के बेड के पास रखी थी। पुप्पी, रूम में मिस्टर खान के अब्बू के अलावा और कोई नहीं है। ये ट्रे सिर्फ वही गिरा सकते हैं। ये सच है? मैं ये स्केच उन्हें देकर आता हूँ। हाँ? आपका काम हो गया? जी हाँ, हो गया। सिद्दीकी साहब कहाँ हैं? वो ये आप मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे दूंगी। ठीक है जी, वो मैं दे आप दे दीजिए ना, फिक्र मत करिए, मैं उन्हें दे दूंगी। लाइए जी, जैसा आप बेहतर समझें। पेंसिल, कमबख्त, वक्त पे यहाँ एक पेंसिल भी नहीं मिलती है। क्या करूं? नीचे से लेकर आती हूँ। स्केच तैयार कर लिए? जी हाँ, बन गया है। आपकी बेगम साहिबा ले गई हैं। बेगम साहिबा ले गई हैं? जी। शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो वापस आ रहे हैं? रजिया, वो स्केच क्या है, हम देखना चाहते हैं। जी, वो आर्टिस्ट दे गया है मुझे स्केच, लेकिन जी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पहले कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं है, हमें वो स्केच देखना, दिखाओ हमें। राशिद, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं राशिद? राशिद, कुछ तो बोलिए। हम सब जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। राशिद, हाँ पुप्पी, मुझे लगता है कि यही बताना चाहते हैं कि उस रात इनके साथ क्या हुआ था। कोशिश कीजिए। मैंने तमाम पेपर्स तैयार कर लिए हैं सर, और अपने वकील को देने जा रहा हूं। अब वही तुम्हें कांटेक्ट करेगा। इतने बरसों से हमने एक झूठ से राशिद को बांध के रखा था, इस सच्चाई का किसी को पता नहीं था, लेकिन अब ये कौन सा अनजान शख्स आ गया है? जी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो शख्स सारा सच जानता है। तुम्हारा मतलब है कि उस शख्स को पता है कि हमने राशिद से गुड़िया फैक्ट्री में आग लगवाई थी जिसमें एक लाश भी थी? उसे यह भी पता है कि राशिद ने कोई कत्ल नहीं किया और असल में यह सब हमारा गुनाह है? क्या उसे यह भी पता है? दोस्त प्लीज हमें कुछ तो बताइए। जिंदगी में आज तक आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, उसे सही करने का वक्त आ गया है। हम सब जानते हैं दोस्त कि उस रात आपके साथ जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, एक हादसा नहीं था। प्लीज हमें कोई इशारा दीजिए। आपको किसी ने धक्का दिया था ना? बोले ना राशिद। किसने धक्का दिया था? प्लीज हमें बताइए, आपको किसने धक्का दिया था? बोलिए राशिद। जलील गिरी हुई हरकत आपने की है? मैंने क्या किया है? मैंने बस मुंह खोला, कुछ भी बोल दिया? पागल हो गए क्या आप लोग? जी नहीं मुमानी, पागल नहीं हुए हैं हम, हमें सच्चाई पता लग गई। मिस्टर खान के अब्बू ने हम सबको बताया कि उस रात जो कुछ हुआ था वो हादसा नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, उन्हें धक्का दिया गया। धक्का आपने दिया? क्या इन्होंने बताया? ये क्या बोल सकते हैं? ये तो ये नहीं बोल सकते ना, लेकिन वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और हम सबको इशारा करके ये भी बता सकते हैं कि कौन मुजरिम है, जैसे कि उन्होंने अभी किया। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया? उन्होंने आपकी तरफ ही इशारा किया है। सब समझते हैं वो, और इतने ना समझ तो हम भी नहीं। तमाम लोग बैठे इस कमरे में, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ देखा नहीं, आपकी तरफ देखा, आपकी तरफ उंगली की। इसका क्या मतलब है? सारी साजिशों की गुत्थी के छोर सुलझकर आपकी ओर ही क्यों खुलते हैं? जी आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आप चुप क्यों हैं? यहाँ हर कोई मेरे ऊपर इल्जाम के बाद इल्जाम लगा रहा है और आप एक ही बुत बने सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। सबकी जुबान तो यहाँ चलती थी, अब दिमाग भी चल गया। तो आप ही बताइए कि सच्चाई क्या है? आपकी तो माशाल्लाह जुबान भी चलती है और दिमाग भी चलता है। आप बता दीजिए कि क्या सच्चाई है? आपकी खामोशी ने सब कुछ बयां कर दिया है, क्योंकि जो बात कह के ना बताई जा सके वो खामोशी बता देती, और आपकी खामोशी भी बता रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। ए लड़की, इंसान जब कुछ कहता है ना तो उसके 10 मतलब होते हैं। हुनैरा जी, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अभी इस वक्त? आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह चले जाइएगा। नो नो, दैट्स ओके, आई एम रियली ओके। एक मिनट। हाँ मैम। हाँ बेटा। मैम, अपने पास एक एक्स्ट्रा टेंट अरेंज कर सकती है? वो क्या है ना, मेरे फ्रेंड यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो अभी इस वक्त निकलना सेफ होगा उनके लिए। हाँ एब्सोल्युटली, मैं भी यही सोच रही थी। इनफैक्ट हमने एक टेंट एक्स्ट्रा लगाया भी है। ऐसा कीजिए, आप वो कैंप नंबर 9 आप ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके हुनैरा, ओके। मैंने कहा था ना तुमसे कि एक न एक दिन हमारे गुनाह हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे। वो दिन आ गया है रसिया। जी, आप इतना परेशान मत होइए, खामखा आपकी तबीयत खराब होगी। देखिए मुश्किल वक्त है, पर हमें कुछ सोचना होगा। हमें नहीं, तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? हाँ हाँ, तुम्हारा ही हाथ है उसमें। सिर्फ मेरा हाथ? वाह सिद्दीकी साहब, वाह। अब आप मुझे और मुंह खोलने पर मजबूर मत करिए, क्योंकि एक बात मैं साफ कह देती हूँ, अगर मैं डूबी तो आप भी बच नहीं पाएंगे, आप भी डूबेंगे मेरे साथ, क्योंकि हर जुर्म में आप और मैं बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अब क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? आप फिक्र मत करें, मैंने कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया तुमने? हालात तो वैसे भी काबू में नहीं है, अब तुम उन्हें बिल्कुल बेकाबू मत कर देना। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।